आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड में राइजिंग उत्तराखंड 2022 नामक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आधार राइजिंग उत्तराखंड है। इसमें 40 संस्थान अपनी उपलब्धियाँ प्रदर्शित करेंगे। साथ ही प्रदर्शनी इसरो, DRDO, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIP, TSDC आदि संस्थान अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगी, जिसमें उक्त संस्थानों के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहेंगे। नरेश बंसल ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है, इसी का प्रदर्शन हम इस प्रदर्शनी में होगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कल 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्र के और प्रदेश के अनेक संस्थानों के, लगभग 50 संस्थानों के स्टॉल इसमें आएंगे। मुख्य रूप से DRDO, इसरो, IIP, ICSR, इस प्रकार से, और स्टार्टअप भी आएंगे। जो ये मोटिव है राइजिंग उत्तराखंड का, जितने भी हमारे भारत सरकार की स्कीम्स पॉलिसीज चल रही है आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, उनको दर्शाने का मोटिव है। हमारे डिपार्टमेंट है DRDO, इसरो, GSI है, CSIR है। इन डिपार्टमेंट्स ने अभी तक क्या क्या तरक्की करी है, क्या इनकी पॉलिसीज चल रही है, क्या स्कीम्स चल रही हैं, वो हम आम जनता को, स्पेशली युवाओं को दिखाना चाहते हैं।